हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 6 माह में प्राप्त महत्वपूर्ण पुरस्कारों को, जो कि माह जनवरी से जुलाई के मध्य प्रदान किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पद्म भूषण तथा पद्मश्री के बारे में। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2019 में जो है दोस्तों पद्म भूषण जो है विख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई जी को प्रदान किया गया। इसके अलावा पद्मश्री किसे मिला? बस्तर बैंड के संचालक अनूप रंजन जी को जो है पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ में। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कार 2019 जो है दोस्तों किसे दिया गया? दिनेश जांगड़े जी को जो है ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, दिनेश जांगड़े जी जो है पंथी कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के। संगीत नाटक अकादमी द्वारा लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के पंथी कलाकार को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वे कौन हैं? दिनेश जांगड़े जी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला पुरस्कार आता है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार 2018। यह जो पुरस्कार है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार, यह किसको दिया गया? यह दिया गया कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा को। कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा कहाँ पड़ता है? ये कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों, एक ब्लॉक है वहाँ का। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा है दोस्तों, ये जो है आपका जोन 9 के अंतर्गत जो राज्य है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके अंतर्गत शामिल है। अगला पुरस्कार है दोस्तों राष्ट्रीय अंबेडकर अवार्ड 2019। राष्ट्रीय अंबेडकर अवार्ड 2019 जो है दोस्तों ये किन्हें दिया गया? चमन भारती बंजारे जी को दिया गया। इसमें 40,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है दोस्तों एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार 2019 जो है किनको दिया गया? शालू जिंदल जी को जो है दोस्तों यह प्रदान किया गया है। कुचिपुड़ी की विख्यात नृत्यांगना है शालू जिंदल छत्तीसगढ़ से। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दोस्तों वर्ष 2019 का एकलव्य पुरस्कार जो है शालू जिंदल जी को प्रदान किया गया है। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों CFI अवार्ड। CFI अवार्ड जो है दोस्तों ये किसको दिया गया है? यह पुरस्कार जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर को जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, किस लिए? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के क्षेत्र में जो है इन्होंने अच्छा कार्य किया तो देश में प्रथम स्थान पाया, और इस हेतु जो है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर को जो है CFI अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जो चेयरमैन हैं गुरु प्रसाद महापात्रा जी, इन्होंने विवेकानंद एयरपोर्ट के निदेशक RR सहाय को जो है पुरस्कार प्रदान किया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों ASP करियर डेवलपमेंट अवार्ड। ASP करियर डेवलपमेंट अवार्ड जो है किन्हें दिया गया? छत्तीसगढ़ की भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी आयुषी चौहान को जो है दोस्तों इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, और वहाँ क्या है, आयुषी चौहान अमेरिका में ही है और स्टडी कर रही हैं, और ये क्या है जो अमेरिका की एक नेशनल कॉलेजिस्ट एथलेटिक एसोसिएशन है। ठीक है, तो इनका जो है एक AASP सिलेक्शन कमेटी होता है, इसने जो है वर्ष 2019 के लिए आयुषी चौहान को ASP करियर डेवलपमेंट अवार्ड के लिए चुना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार देखते हैं इंडो थाईलैंड इंटरनेशनल अचीवर्स एक्सीलेंस अवार्ड फॉर टैलेंट 2018। यह जो पुरस्कार है दोस्तों किनको दिया गया है? श्रीमती रीता माने जी को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2019 में ही दिया गया है। ठीक है, 2018 का पुरस्कार यह है। रीता माने जी जो है क्यों दिया गया है? रीता माने जी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक योगदान दी है, तो इनके योगदान को देखते हुए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों डॉक्टर बिसाहू दास महंत बुनकर पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है दोस्तों कह सकते हैं 2 सालों के लिए जो है ये दिया गया है, 2 सालों से दिया नहीं जा रहा था, तो वर्ष 2016-17 तथा 17-18 के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया। जो राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ बुनकर हैं उनके जो है इसको पुरस्कार को देती है। ठीक है, तो किनको दिया गया? 2016-17 में राजेश देवांगन व मधुसूदन देवांगन जी को दिया गया।
2017 और 18 में राजेश देवांगन एवं श्री नरेंद्र देवांगन को ये पुरस्कार फिर दिया गया, ठीक है। और इस पुरस्कार की राशि जो होती है दोस्तों 1-1 लाख रुपए होती है प्रति विजेता। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों हस्तशिल्प पुरस्कार। ये हस्तशिल्प पुरस्कार जो है दोस्तों ये किनको दिया गया, तो ये पुरस्कार दिया गया श्रीमती अनीता राजवाड़े को। अनीता राजवाड़े जी को जो है दोस्तों जागर 2019 जो है रायपुर में आयोजित की गई थी, जहां राज्य की श्रेष्ठ हस्तशिल्पियों का प्रदर्शनी लगाया गया था, और इसके अंतर्गत जो है अनीता राजवाड़े को यह पुरस्कार दिया गया। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है नारी शक्ति पुरस्कार। तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है दोस्तों ये दिया किसके द्वारा जाता है, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ओर से दिया जाता है। और किनको दिया गया, भारतीय टांडिया जी को, पुष्पा कुमारी जी को, बेबी रानी जी को, ठीक है। ये महिलाएं जो हैं ये लोगों को घरेलू हिंसा तथा मानव तस्करी आदि के क्षेत्र में जो इन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो इस क्षेत्र में जो है इनके विशेष योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से ये लोगों को सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपके पिछले 6 महीने के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो बचे हुए। इसके पहले की भी जो महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसकी भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पुरस्कार परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे छत्तीसगढ़ में आप कोई भी परीक्षा देवे। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।